स्टार्ट है। आज का वीडियो इसलिए बना रहे हैं अपन क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हम जैसे अपर लिम्ब में जो भी कॉमन साइड के जो पेन होते हैं उनको मैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और उनमें से एक एक कॉज ऑफ पेन को अपन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्यों ठीक नहीं होता है और पेशेंट जो है क्या क्या थेरेपीज फिजियोथेरेपी में ले लेता है और क्या क्या और फर्दर जो होते हैं ट्रीटमेंट वगैरह वो क्या क्या वो ले चुके होते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमनली जो एक आता है ये आता है आपका टेनिस एल्बो लेते हैं अपन, तो जो टेनिस एल्बो जो है ठीक है, टेनिस एल्बो का कोच मैंने आपको बता देता था, या फिर कोई इंजरी की वजह से या फिर रिपीटेशन स्लैक मूवमेंट ठीक है या फिर ये मूवमेंट ठीक है, तो इन दोनों मूवमेंट से ही रिपीटेशन बार बार होते रहते हैं, तो ओवर यूज़ की वजह से भी कभी कभार टेंडन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, और इंजरी से हुआ है तो वो तो बात अलग ही हो जाती है। तो जब ये पोर्शन जब होता है, जैसे ये आपका हड्डी मेरा दिख रहा होगा बोन मेरा ठीक है, इस बोन के ऊपर जैसे अपन जाते हैं तो ये फिर से एक और बोन आता है छोटा सा बिल्कुल ठीक है, तो इस बोन के यहाँ पर ही आपका जो है टेंडन आपको देखने को मिल जाता है, ये टेंडन है ठीक है। तो जब ये टेंडन जो है यहीं आपको जो है टेनिस एल्बो का पेन आना शुरू होता है ठीक है, तो पेशेंट का पेन पेशेंट तो बताता है कि मुझे पेन यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है ठीक है, और अपन जो फिजियोथेरेपी देते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, IFT है, आइसिंग है, हीटिंग है और वैक्स है, लेज़र है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, पर पेशेंट इतना सब कुछ लेने के बाद में भी जो है ठीक हो ही नहीं पाता है ठीक है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि अगर आपका ये पेन है ठीक है, ये पेन हल्का हल्का सा भी क्या है, अगर आपका ऊपर की तरफ है, अगर पेन आपको यहाँ बता रहा है पेन ठीक है, या फिर पेशेंट आपको पेन बता रहा है कि यहाँ पे भी मुझे पेन आना स्टार्ट हो गया है इस जगह पे या फिर इस जगह पे पेन मुझे बता रहा है ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या है कि अगर या तो उसको टेनिस एल्बो के साथ में और कोई भी नर्व एसोसिएट इंजरी के रूप में देखने को मिल सकती है, या फिर जो टेंडनोपैथी जो है ठीक है वो अपने आप में एक जो है क्रोनिक हो चुकी है, सीवियर हो चुकी है, तो उस वजह से वो बार बार वो ठीक नहीं हो पाती है ठीक है, तो या फिर उसका जो है प्रॉपर जो है टेंडनोपैथी का जो टेंडनाइटिस है उसका प्रॉपर तरीके से जो है आपको पेन का जो पेन मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से उस पर लोकेशन पर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इन वजह से क्या होता है कि ये आपका टेनिस एल्बो का जो पेशेंट जो होते हैं वो कॉमनली मैक्सिमम टाइम तक क्या करते हैं सफरिंग करते हैं, और उनके साथ में और भी जो एसोसिएट जो इंजरीज होती हैं वो भी पेशेंट के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करनी होती है कि सर हमको ये कंप्लेंट के साथ में ये कंप्लेंट तो नहीं आ रही है, ऐसे इस लोकेशन पे पेन आ रहा है या रेफर पेन आ रहा है, तो वो भी आप उनको पेशेंट को बताना होता है कि अगर ये पेशेंट का ऐसा है तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या पता उसको टेनिस एल्बो हो ही ना और कोई नर्व इंजरी की वजह से उसको जो है रेफर पे पेन आ रहा हो, या फिर नर्व माइल्ड जो है रेडियल नर्व या फिर जो मिडिल नर्व जो होती है उसकी वजह से आ रहा हो आपको, सॉरी रेडियल नर्व की वजह से पेन देखने को मिल रहा हो, तो आपको जो है ये भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि किस तरीके से इंजरी है और क्या डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब पेशेंट जो होता है जब अपना पूरा ट्रीटमेंट ले चुका होता है ठीक है और फिर भी वो ठीक नहीं होता है, तो उसके पीछे ये सब जो मैं आपको वीडियो में आपको बताए हैं ये कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला कारण मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहला कारण ये होता है कि सही लोकेशन के ऊपर सही ड्यूरेशन के साथ में ट्रीटमेंट नहीं मिलना, दूसरा आपका जो है अदर जो एसोसिएट जो इंजरीज होती हैं ठीक है उनका डिफ्रेंशिएट जो डायग्नोसिस करना वो नहीं हो पाता है, और पेशेंट को आप होम जो एक्सरसाइज होती है जो होम केयर होती है वो जॉइंट के लिए या फिर टेंडन के लिए वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करना ठीक है। इन तीन कमियों की वजह से जो है क्रोनिक टेनिस एल्बो के पेशेंट होते जाते हैं और वो क्रोनिक बन जाते हैं, एक स्टेज पे आकर उनको जो है सर्जरी ही उनका ऑपरेशन और जो सर्जरी ही उनका जो है ऑप्शन बच जाता है। धन्यवाद।